अयोध्या के संत और बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार ने सपा सांसद एस टी हसन के बयान की निंदा की है, जिसमें एस टी हसन ने राम मंदिर निर्माण के लिए समर्पण निधि कार्यक्रम में जुड़े कार्यकर्ताओं पर बड़ा आरोप लगाया है। बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने कहा कि चंदा की परंपरा पुरानी है, इससे किसी तरीके की विवाद का कोई आशंका नहीं है। हिंदू और मुस्लिम चंदा देना चाहता है तो चंदा देना चाहिए, किसी धार्मिक कार्यक्रम में विवाद नहीं होता है, लोग खुद विवाद बनाते हैं। इकबाल अंसारी ने कहा कि सांसद एस टी हसन यह ना सोचें कि चंदा लोग लेने जाएंगे तो माहौल खराब होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग इसमें चंदा दें, क्योंकि यह एक धार्मिक काम है। राम मंदिर के लिए सभी लोगों को चंदा देना चाहिए और कोई भी राजनेता विवादित बयान ना दें। राम मंदिर के लिए लोग श्रद्धा के साथ चंदा दें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद को खत्म किया है और कोई भी राजनेता कोई भी व्यक्ति ऐसा बयान ना दे जो विवादित हो, जिससे देश का माहौल खराब हो। पूरी दुनिया को संदेश देना चाहते हैं कि चंदा देने में कोई बुराई नहीं है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, लोग चाहते हैं कि उनका पैसा लगे। वहीं राम जन्मभूमि रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने एस टी हसन के बयान को घटिया करार दिया है। आचार्य सत्येंद्र दास का कहना है कि मंदिर के लिए जो चंदा वसूला जाता है वो मंदिर निर्माण के लिए है, वह चंदा नहीं बल्कि देश के तमाम छोटे बड़े लोगों को मंदिर के साथ जोड़ने का कार्य है। लेकिन जिसकी जितनी मानसिकता है वो अपनी मानसिकता के अनुसार ही बयान देता है। सपा सांसद एस टी हसन ने जो कहा वह एकदम गलत है, यह ऐसी मानसिकता है जो साबित करती है कि वह पत्थर चलाने वालों के साथ जुड़े हैं, अपनी विचारधाराओं के अनुसार बोल रहे हैं, जिसका जैसा विचार होता है वैसे ही उसकी वाणी होती है। एस टी हसन का बयान निंदनीय है। हसन ने जो बयान दिया है बहुत ही घटिया बयान है इनका। जो रामलला के लिए मंदिर के लिए जो चंदा वसूला जाता है वो मंदिर निर्माण के लिए होता है, और वह चंदा नहीं है बल्कि देश के तमाम छोटे बड़े भक्तों को मंदिर के साथ जोड़ने का है। लेकिन जिसकी जैसी मानसिकता होती है वो अपने मानसिकता के अनुसार वो बयान देता है, बोलते हैं। तो इसकी हसन जी ने जो कहा है वह बिल्कुल गलत है। कभी भी इस प्रकार के यह चंदा लेकर के या दान लेकर के किसी के आक्रमण और किसी के ऊपर पत्थर चलाने की बात नहीं आई है। लेकिन उनकी मानसिकता यही है, क्योंकि वो लोग पत्थर चलाने वाले के साथ जुड़े हैं, उनके दृष्टि में पत्थर चलता है, दूसरे को दंड देते हैं, दूसरे को कष्ट पहुंचाने का उनकी जो विचारधाराएं हैं वो अपनी विचारधाराओं को के अनुसार वो बोलते हैं। क्योंकि जिसकी जिसकी भावना होती है, जिसके जिसके विचार होते हैं, वही उनकी वाणी निकलती है। तो यह सब बोलना बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भक्तों को जोड़ने के लिए मंदिर बने, उसमें देश के छोटे बड़े भक्त इसी एक दान के रूप में जुड़े, यह प्रयास हो रहा है। इस प्रयास को वह यह मान रहे हैं कि यह इस पैसे से और बिकाऊ मुसलमानों के माध्यम से और इस प्रकार की घटना करेंगे, बिल्कुल गलत है। उनके बयान झूठा है, निंदनीय है। देखिए, सवाल राम मंदिर का है, सवाल अयोध्या का है। धार्मिक मंदिर मस्जिद जात धर्म जितनी भी चीजें हैं, राम मंदिर बन रहा है, एस टी हसन साहब ने कहा है कि चंदा लोग बाहर जब वसूलेंगे तो इससे गड़बड़ी भी हो सकती है, ऐसा नहीं है। चंदा की परंपराएं पुरानी हैं, हिंदू और मुस्लिम अगर चंदा देना चाहते हैं तो चंदा दें, विवाद उसमें नहीं है, क्योंकि धार्मिक कार्यक्रम में विवाद नहीं होते, विवाद लोग बनाते हैं। सरकार की निगाहें हमेशा जो है माहौल खराब करने के ऊपर लगी हुई है। सांसद जी जो है ये न सोचें कि चंदा लोग लेने जाएंगे तो माहौल खराब होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये धार्मिक काम है, राम मंदिर का काम है, धार्मिक काम है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो लोग भी चंदा देना चाहते हैं चंदा दें, चंदा लेने और देने में कोई विवाद नहीं होता। विवाद तो लोग जब जहां पैदा करते हैं विवाद तहां होता है। ये तो धार्मिक कार्यक्रम है, श्रद्धा की बात है, लोग चंदा दें और खुशी से दें, और कहीं पे अगर ऐसा माहौल खराब होने जो है खराब होता नहीं है। हम तो यही मानते हैं कि चंदा श्रद्धा की बात होती है, राम मंदिर का काम है, लोग चंदा दें, और कोई नेता विवादित बयान विवादित बात
ये ना करें, ये बेहतर रहेगा, क्योंकि ये राम मंदिर का काम आज से नहीं है, 70 साल से जो है का मंदिर का चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है, सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला कर दिया, राम मंदिर बन रहा है, इसके लिए चंदा आ भी रहा है, लोग बस जो है लोग जा रहे हैं। हमें चाहते हैं कि श्रद्धा की बात है, लोग चंदा दें, और मैं कोई भी नेता हो या कोई पब्लिक हो, वो विवादित कोई काम ऐसा ना करे जिससे जो है देश में जो है अमन और शांति में खलल पैदा हो। हम तो यही चाहते हैं, हम पूरी दुनिया को संदेश भी देना चाहते हैं कि चंदा लोग खुशी से लोग दें, चंदा देने में कोई बुराई नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में लोग चंदा, लोग चाहते हैं कि हमारा पैसा भी जो है लगे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, लोगों की एक फर्ज होती है, धर्म किसी का भी हो, लेकिन जहाँ जायज काम होता है लोग जो है इस बात का लोग सोचते रहते हैं कि हमारा पैसा भी लग जाए, तो लोग चंदा दें, अच्छी जो है अच्छी बात है।